अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। चिरई का ब्लॉक सलारपुर गांव, जिसमें कि आज चौपाल की व्यवस्था की गई थी। यहां पे प्रमुख सचिव रजनीश दुबे जी आए हुए थे और लोगों की जन सुनवाई और समस्याओं को सुने, जिससे कि गांव के लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं और उनको अपनी समस्याओं को कहने का मौका भी नहीं दिया गया। केवल एक दिलासा देकर जो है कि कार्यक्रम, हमारे घर के अगल बगल इतना ज़्यादा है कि मेरे बच्चे हमारे घर पे आए दिन हम लोग 200-300 रुपये रोज कमाने वाले हैं। शाम को आते हैं कमा के, शाम को फिर बच्चे को लेकर जाते हैं दवा लेने के लिए। कि इतना कीचड़ हो गया, इतना गंदगी हो गया है ना, घर के अगल बगल सीवर भी नहीं है। अभी आश्वासन आपको क्या दिया गया यहाँ से, प्रशासन जो लगी है उसमें आपको आश्वासन कुछ मिला? अभी कुछ नहीं मिला। अरे आम लोग सुनिए, चौवालीस लोगों का पैसा 20 दिन पहले खाते में आ चुका है, आप कैसे भर रहे हो? नाम पढ़कर के मैं सुना रहा हूँ, मैं 2 महीना से लाइन कटल हमारे बाद इसमें कुछ नाम पढ़ रहे हैं जो भी यहाँ पर। आप इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की, चौपाल के अलावा? प्रधान से कभी मिली थी? बाबूलाल पुत्र श्रीराम हम लोग को 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, एक महीने का 7,500 हुआ है और होमगार्ड का 500 रुपया के मिलता है, उनके कान से 15,000 हो रहा है। बताइए श्रीमान जी, बहन जी, 250 रुपया हम लोग का बाल बच्चा कैसे जी रहा है? इसके बाद ईआरडी विभाग को सुभाष चंद्र घोष जी घोषित किए हैं, पहला पुत्र हम लोग हैं, दूसरका पुत्र होमगार्ड है। बताइए दूसरका पुत्र को 500 हो गया, पहला पुत्र को 250 रुपया में, और फिर ड्यूटी अगर दिया जाता है तो ड्यूटी 3 महीना बाद हटा दिया जाता है। थाने चौकी पर कहीं ड्यूटी नहीं दिया जाता, यातायात में लगा है, ग्रिल में लगा है और 3 महीने बाद हटा दिया जा रहा है। बताइए हम लोग के साथ अनर्गल होला। हम लोग एक ज्ञापन फैक्स के माध्यम में मुख्यमंत्री कार्यालय कल भेज दिया हूँ, आज दूसरका मुख्य सचिव के देने के लिए सलारपुर स्थान पर विकासखंड चिरेगांव के अंतर्गत हम लोग उपस्थित हैं। यह लेटर देना चाह रहे हैं ताकि हम लोग का यह लेटर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यालय में पता चला। ग्राम सभा सलारपुर में कुछ अधिकारी आने वाले हैं, अधिकारी आए जरूर, ये यहाँ के पहले कुछ ऐसे लोग जो सामाजिक तौर से अधिकारी को अंदर न जाने दिए और ऐसे जगह पर ले गए जहाँ अधिकारी को भ्रमित कर दिया गया। अधिकारी वो जाके उस जगह को देखे हैं जहाँ पहले काम हो चुका है। ना अधिकारी दलित बस्ती में गए, ना सोनकर बस्ती में गए जहाँ जर्जर तार है। अभी एक व्यक्ति का हाथ टूट गया है गिर जाने से, अधिकारी को भ्रमित किया गया, जनता की बात नहीं सुनने दी गई। हमने कई बार प्रयास किया था कि जो हमारे गांव की समस्याएं हैं बनारस के लेवल से जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, उसके लिए हमने ऑनलाइन कंप्लेन भी किया था, जिला अधिकारी को भी दिए थे कि जन चौपाल लगे, तो जिसके तहत आज मतलब मुख्य सचिव ने उसको गंभीरता से लेते हुए यहाँ जन चौपाल लगाया और यहाँ की जो गंभीर समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने सुना। कितनी जनता यहाँ पे शामिल थी? लगभग 1,000 से ऊपर ही लोग ग्रामीण जुटे थे, सलारपुर के ही सारे थे। क्या आपको लगता है कि ये चौपाल लगाने से आपके गांव की जनता जो है संतुष्ट है, खुश है? नहीं, पूरी समस्या तो दूर नहीं। देखिए आज जैसे चौपाल लगा था तो कितनी समस्या कल ही दूर हो गई गाँव की, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो सारे फाइलें काफ़ी पहले से रुकी थी वो कल तक 50% पास हो गई हैं। 50% का तो जैसे मुख्य सचिव ने बताया है कि 22 तारीख को शनिवार को कैंप लगेगा तो उसमें भी 25% हो जाएगा, 75% जो बचेगा वो हम विभाग में दौड़ के उसको पूरा कराएंगे, जो भी समस्याएं हैं वो हम लग के करेंगे। अक्टूबर के बाद से बैठक होने वाली है, उसमें उन नामों का प्रस्ताव करके नहीं है, नाम बताया जी सर, उन्होंने दिया है पत्र, मुझे मिला हुआ है सर, हमने उनसे कहा है। ऐसे कई पत्र को दबा दिया गया सर, कई तो हमारे पास रिपोर्ट है, अभी स्कूल के अंदर का रिपोर्ट है, सामने स्कूल है, बच्चे पानी पीने गंदगी में आते हैं सर, आइए आप आग से देखिए। उस स्कूल में हैंडपंप नहीं लगा है, हैंडपंप का तो पानिया नहीं आता बेचारे, और जो टंकी का पानी है वहाँ इतना। यहाँ पर कुछ काम अच्छे हुए हैं और कुछ कामों में सुधार की गुंजाइश है। सर किन कामों में ज़्यादा जो है समस्या निकली है यहाँ पर? एक तो यहाँ जो बस्ती की सड़कें हैं, गलियाँ हैं, उनमें हालत ख़राब है, उनका निर्माण होना ज़रूरी है। जो पंचायत में काम हो रहा है उसमें पंचायत सेक्रेटरी का काम ख़राब है, और इसमें बहुत से ऐसे हैंडपम्प्स भी हैं जो रिबोर होने की उनकी आवश्यकता है, और जो आवासों का यहाँ पर अभी चयन हुआ है उसकी भी हम एक जाँच करा रहे हैं, और कुल मिला के यहाँ जो बेसिक शिक्षा में स्कूल चल रहा है, स्कूल में भी जो पठन पाठन का कार्य है उसमें सुधार की आवश्यकता है, इसकी आकस्मिक जाँच करा। कब तक दूर किया जाएगा? में जो है वो
शनिवार को SDM और BDO साहब आएंगे, BDO साहब आएंगे और जितने हैंडपम्प्स के रिबोर की ज़रूरत है वो सूची बनाते हुए उसको एक महीने के अंदर रिबोर सारे हैंडपम्प्स को बढ़ाया जाएगा। और जो यहाँ पानी की टंकी है उसमें भी अभी आधे लोग ऐसे हैं जो अपना किराया नहीं दे रहे हैं, जो मासिक किराया 50 रुपये फिक्स हुआ है, वो किराया भी लोगों को देना चाहिए जिससे कि वो पानी की टंकी आगे चल सके, उसके बिजली के बिल का। सर लोगों का कहना है कि पानी तो मिल ही नहीं रहा है तो हम पैसे कहाँ से दें? पानी आ रहा है, मैं अभी राजभर बस्ती गया था, वहाँ तो 12 घंटे पानी आ रहा है। लोगों के मकान दूर हैं, दूर वाले एरियाज में कुछ पानी।